बात जो है वो ये है कि जब आप ठंडा पानी पीते हो ना, तो गड़बड़ क्या होती है कि पेट पानी को गर्म करता है। अब पेट पानी को गर्म करेगा तो कैसे करेगा? तो क्या चीज है जो गर्म है? पेट में है रक्त, माने पूरे शरीर में जो रक्त है वही गर्म है, और है क्या? तो सारे शरीर का रक्त आएगा पानी को गर्म करने, क्योंकि पेट क्या करेगा, पेट को एनर्जी चाहिए पानी गर्म करने के लिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो रक्त से आएगी, तो रक्त आएगा पूरे पानी को गर्म करने। और शरीर के हर अंग का खून अगर पेट में आ जाए पानी को गर्म करने के लिए, तो खून की कमी तो किसी भी अंग को पड़ जाएगी, और कोई भी अंग को खून की कमी एक डेढ़ मिनट हो जाए, कभी कभी तीन मिनट से ज्यादा, तो बस खत्म वो अंग हमेशा। इसलिए ठंडा पानी मत पियो आप। तो कैसा पानी पिए? कहा गया है कि जब सर्दियां आए तो गुनगुना पानी पियो, जब गर्मियां हो तो मिट्टी के घड़े का पानी पियो, और बारिश में पानी को उबाल कर पियो। फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी गलती से भी नहीं पीना। और एक बात मुझे आपसे कहनी है कि जब बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने पेट में एक बड़ी आंत होती है। एक तो छोटी आंत, एक बड़ी आंत। ये बड़ी आंत होती है ना, ऐसे होती है खुले हुए पाइप की तरह से, और जब बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, तो ये संकुचित हो जाती है, ये बंद होती है। क्यों होती है? क्योंकि बड़ी आंत का सारा खून पेट में आता है पानी गर्म करने के लिए। अब खून निकल गया इसमें से, तो ये संकुचित हो जाएगी। अब आपने ठंडा पानी पिया तो ये बड़ी आंत संकुचित हुई। दिन में 10 बार पिया तो 10 बार हुई, और सालों साल से पी रहे हैं तो ये परमानेंट संकुचित हो जाएगी, ये बंदी हो जाएगी। और ये बड़ी आंत अगर संकुचित हो गई तो फिर मल नहीं निकलेगा, पेट साफ नहीं होगा, और जब पेट साफ नहीं होगा तो कब्जियत होगी। कब्जियत एक खतरनाक बीमारी है जो 100 से ज़्यादा दूसरी बीमारियों को शरीर में बुला लेती है। इसलिए ठंडा पानी मत पियो। मैंने देखा है जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, रेफ्रिजरेटर का पानी बर्फ डाल डाल के पीते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में, भारत में भी हैं, अमेरिका यूरोप में तो बहुत। आप अमेरिका यूरोप में जाओगे तो वहां तो लोग पानी को फ्रिज में रखते हैं, 5-6 दिन ठंडा होता है, फिर उसमें बर्फ डालते हैं, फिर पीते हैं। भारत में भी ऐसे लोग हैं। अब उनकी सबकी बड़ी आंत संकुचित हो जाती है, और ये लोग जिनकी बड़ी आंत संकुचित होती है, ये सवेरे टॉयलेट रूम में 1-1, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। बहुत दिन बाद मेरे समझ में आया कि कुछ लोगों की लाइब्रेरी टॉयलेट रूम में क्यों है। अमेरिका यूरोप में तो आप किसी भी घर में घुसेंगे तो टॉयलेट में लाइब्रेरी जरूर मिलेगी आप, पक्का। बड़ी बड़ी किताबें, नॉवल पढ़ते हैं टॉयलेट में बैठ के, किताबें मोटी मोटी पढ़ते हैं, मैगजीन, क्योंकि पेट साफ नहीं होता, टाइम पास करना है। इसलिए मेरा निवेदन है ठंडा पानी नहीं पीना, कभी मत पीना गलती से भी। कितनी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, ठंडा पानी को तो हाथ भी मत लगा। तो वात पित्त कफ तीनों ठीक रहेगा।